की नदियों में अब चलेंगे बड़े जहाज। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कसली कमर। सरकार का पान चढ़ा परवान तो यूपी बनेगा पेरिस। बदल जाएगा लोगों का परिवहन का तरीका। सड़क मार्ग के बजाय जब होगी जहाज की सवारी तो आ जाएगा मजा। एक जल मार्ग तो हो गया है रेडी। प्रदेश की नदियों के जरिए जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके तहत अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन का आदेश भी दिया है। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग बन चुका है और भारी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लोगों के बढ़ते रुझान और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। इसमें उन्होंने जलमार्गों के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सदा नीरा नदियों का प्रदेश है। यहाँ अधिकांश नदियों में हर वक्त पर्याप्त पानी रहता है। प्रदेश में जल परिवहन की प्राचीन परंपरा भी रही है। एक समय था जब अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से ही दक्षिण कोरिया गई थी। बलते समय के साथ इस सेक्टर को उपेक्षित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल मार्गों के सृजन, विकास और उन्हें यातायात और माल ढुलाई के लिए प्रयोग में लाने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे नियोजित रूप देते हुए प्रदेश में अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण और अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये प्राधिकरण नोडल अथॉरिटी के रूप में भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करेगा। प्राधिकरण द्वारा अंतरदेशीय जल परिवहन और पर्यटन संबंधित समस्त गतिविधियों का रेगुलेशन किया जाएगा। साथ ही जल परिवहन से संबंधित पर्यावरण एवं सुरक्षा कानूनों का अनुपालन, जल मार्गों के विकास एवं बेहतर प्रयोग के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और जांच की जिम्मेदारी का निर्वहन भी प्राधिकरण पर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण में परिवहन मंत्री को पदेन अध्यक्ष के तौर पर नामित किया जाएगा, जबकि उपाध्यक्ष के तौर पर जल परिवहन क्षेत्र के सुदीर्घ अनुभव करने वाले विशेषज्ञ की तैनाती होगी। प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को प्राधिकरण के सीईओ की भूमिका दी जानी चाहिए। इसके अलावा वित्त, संस्कृति, सिंचाई और वन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नदियों के कैपमेंट एरिया में अवैध खनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।